हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो अक्षरों से बनने वाला शब्द बताऊंगी। अभी आप नर्सरी क्लास में स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ चुके। स्वर वर्ण जिसमें ओ आ, स्वर वर्ण जिसमें आ, स्वर वर्ण जिसमें आ, ओ आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ए, ओ, ओ पढ़े तथा व्यंजन में व्यंजन वर्ण में आ, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्यश, मूर्धन्यश, दन्तश और ह पढ़े। आज हम व्यंजन वर्ण से दो अक्षरों के शब्द बनाना सीखेंगे। कैसे व्यंजन वर्ण के ये विभिन्न वर्ण आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण करेंगे, कैसे तो देखिए। जैसे हम यहाँ से क और यहाँ से हम म ले लेते हैं, यानी क और म मिलकर यह कम बना, ठीक। इसी प्रकार च ल दोनों मिलकर एक शब्द का निर्माण किए, शल, ठीक। इसी प्रकार आप बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे त के साथ यदि हम नौ व्यंजन लगाते हैं तो दोनों मिलकर के तन बनता है, त और नौ, तन, ठीक। इसी प्रकार हमारा बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे ध और इसके साथ यदि हम म का प्रयोग करते हैं तो दोनों मिलकर एक शब्द ध और म, धम बनते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार आपको इन सारे व्यंजन वर्णों से जोड़कर 10 शब्द बनाने हैं। आपको अपने कॉपी पर 10 शब्द, 10 वर्ण लिखने हैं, 10 शब्द लिखने हैं, ठीक ना। आप अपने कॉपी पर दो दो अक्षरों का 10 शब्द लिखेंगे। धन्यवाद।